कप और पूरा देश आपके साथ है। खूब अच्छे से परफॉर्म करें, अपना टैलेंट शो करें, बिल्कुल प्रेशर होता है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत की टीम अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 तारीख को खेलने वाली है, लेकिन इस मुकाबले से पहले भारत की ओडीआई वर्ल्ड कप टीम में अपने रिटर्न को लेकर शिखर धवन ने काफी ज्यादा इमोशनल स्टेटमेंट दी है। दरअसल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शुभमन गिल, जिनको डेंगू हो गया है, उसके चलते वो वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबलों से बाहर होने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से शुभमन गिल ज्यादा मुकाबलों को मिस कर सकते हैं, जब शिखर धवन से, जो कि करेंटली हमें वर्ल्ड कप के लिए एक्सपर्ट पैनल्स के तौर पर नजर आ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या वो वर्ल्ड कप में वापसी करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो टीम में खेलना तो चाहते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं। शुभमन गिल को अगर डेंगू हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएंगे। वो बस ये दुआ करते हैं कि शुभमन गिल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि शुभमन भारत की टीम के लिए करेंटली बेस्ट ओपनर है। और ऐसे में शिखर धवन ने कहा कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम अभी वर्ल्ड कप जीते और भारत को सपोर्ट करने के ऊपर ही उनका पूरा ध्यान है। इस स्टेटमेंट से शिखर धवन ने सभी क्रिकेट फैंस का दिल भी जीत लिया।